नहीं करो बाकी शोज वाले जेलस होते हैं। खातिर आजाद वेलकम टू अस नमना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। भाई खातिर आजाद, आज बात करेंगे हम तोहम परस्ती की, सुपरस्टिशंस की, लोगों के अंदर होते हैं। जैसे छुपकली का मामला है, छुपकली एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में बड़े सुपरस्टिशंस मशहूर हैं। छुपकली मारने की जिम्मेदारी जो है वो उस लड़के पे होती है जो अकेला घर में मौजूद होता है। छुपकली मारना फेमिनिज्म का भी ग्रे एरिया है। छुपकली आती भी ऐसे नहीं है कि आप मसरूफ हों तो आ जाए, छुपकली आती उस वक्त है जब आपके पास कोई काम नहीं होता, ऑफिस से आप आए हुए होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता क्या आ रहा है, बस आप सुन रहे होते हैं जो आ रहा है, बस सुन सुन। अचानक आवाज़ आती है, सुने छुपकली, बोले बोले लेकर पहुँचते हैं। फिर आपको याद आता है अभी खाला ने कहा है छुपकली ऐसे सादा नहीं मारनी, उससे पहले क्वेश्चनेयर देना है, एक सर्वे करना है, उससे पूछना है अगर तुम जिन हो तो चली जाओ, और ये एक बार नहीं पूछना, तीन बार पूछना है, जिन हो तो चली जाओ, जिन हो तो चली जाओ। मुझे डर लगता था किसी दिन छुपकली पलट के बोल दे हाँ हूँ मैं नहीं जा रही, तू जा, क्या इज्जत रह जाती। तो आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टिशंस पे, बहुत सारे हैं। जिस तरह अम्मी कहती है बेटा जा नमाज मोड़ के मत रखो, शैतान नमाज पढ़ लेगा। मैं अम्मी से कहता था अम्मी इस तरह तो हम जीत जाएंगे, ये तो जाते हम शैतान। या अम्मी कहती थी बेटा प्लेट पूरी साफ कर लो वरना शैतान खा जाएगा। तो मैं अक्सर अम्मी से कहता था अम्मी जो लौकी आपने बनाई है ये शैतान को खाने दें, शायद उसको समझ आ जाए। लेकिन आज मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि वो किन किन सुपरस्टिशन से बिलीव रखते हैं, क्या उनके पास क्या क्या स्टोरीज हैं। तो कौन है मेरे पास जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है ऐसी सस्ती स्टोरीज, हाँ इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निशा। निशा क्या कहानी तुम्हारे पास? जब हम लोग नाइन्थ में थे ना, तो सबसे पहले हमारे बोर्ड के पेपर का, आपको पता है कैसा वो टेंशन होती है कि पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं, तो ऊपर से हमारा मैथ्स का पेपर था। ठीक है, मैं पेपर देने जा रही थी। अब हमारी गाड़ी जो है ना वो फुल स्पीड से चल रही है, तो शीशा भी जो है ना वो बस थोड़ा सा ही खुला हुआ था। कितना तो, इंच में बता दो अगर तो ये डिटेल अगर मुझे पता चलती रहे मैं खुश रहूं। इतनी डिटेल? बस 2 इंच खुला होगा। तो हम लोग जा रहे थे तो एकदम से ना ऐसे जैसे पानी नहीं पड़ता तो शीशे पे पानी सा पड़ा। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो मेरे कंधे पे किसी शरारती कब्बे ने ना बीट कर दी थी। लेकिन ये कहते हैं गुड लक का साइन होता है। वही तो मैं बता रही हूँ। तो मैंने मामा को कहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ ना, तो मामा ने कहा मैंने थोड़ी किया बेटा, मुझे क्या पता। तो, मामा ने कहा ये तो गुड लक का साइन है, ये तो अब तुम्हारा पेपर देखना कितना अच्छा कितना कमाल होता है। खैर मैं पेपर देने चली गई, पेपर दिया तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए। कितने आए? 72 out of 75। तो बहुत ही अच्छे आ गए यार, कोई पढ़ा लिखा कौवा होगा मतलब। अब घर से निकले कौवा ढूंढते रहे भाई, एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज थोड़ा खा लें, ये खा लें सर, मम्मी ने बनाई हुई लौकी सर शैतान के लिए छोड़ी थी आपका लो, बहुत आला, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा। चलो अगला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आप भी आमना जी? वेरी गुड। क्या किस्सा है आमना? मेरा हॉरर स्टोरी है, लेकिन इसमें इस तरह है कि मुझे ना ये जिनों वगैरह पे और भूत पे ना बिल्कुल यकीन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उनको मतलब... था आप पे जो था ना, उनका भी ना हो तो आप एटीट्यूड में कह रही हूँ मुझे भी नहीं आप पे। मतलब कोई फ्रेंड मुझे आके स्टोरी सुना रहा ना कि मेरे साथ ये हुआ है, तो हम उसका ना मैं उसका मजाक उड़ाती थी, हाँ हाँ ये वो कैसा तो होता ही नहीं है, अपनी तरफ से बना के सुना रहा है। तो मैं कलाम साइड पे गई थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो कपल्स थे, मतलब फैमिली कपल्स थे, और मैं अकेली थी। हड्डी थी आप? हड्डी। मैं हड्डी थी। तो मैं रात को ना यही तो 3-4 का वक्त होगा, मैं बाहर आ गई ना, मैं बाहर आके अकेली बैठ गई और वहाँ पे ना मैं बैठी रही। 4 लोग आए, दो लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी, बहुत प्यारे थे, वाह बहुत प्यारे थे वो, लजीज। मैंने उनसे बैठ के 1 घंटा बात की है, ऑलमोस्ट 1 घंटा बात किया। उसके बाद मेरे फ्रेंड की वीडियो कॉल आई है, मैंने उठाई है, वो मुझे कहती है आमना यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने कहा बकवास नहीं करो, मतलब मुझे उसमें यकीन नहीं हो रहा था ना कि वहाँ कोई नहीं है। वो मुझे कहती है आमना यहाँ कोई नहीं है, कैमरा खोल के पिक्चर लेके भेजो। मैंने पिक्चर ली, कोई नहीं था वहाँ पे। होली मदर, वाह भाई, ये बताइए कि आपने गायब लोगों से 1 घंटा बात कर ली। उसके बाद ना मैं उन्हें कह रही हूँ अच्छा ठीक है ना, मुझे पता चल गया था कि मैं किसी और ही मखलूक से बात कर रही हूँ। मैंने उन्हें कहा ठीक है मैं जाती हूँ, मेरा ना सोने का वक्त हो गया। तो वो कहते हैं नहीं 5 मिनट बैठ जाओ। तो मैंने कहा अगर अब मैं गई तो भी फंसूंगी और अगर ना गई तो भी फंसूंगी। मैं 5 मिनट बैठी, फिर मुझे कहते हैं ठीक है अब आप चले जाएं। मुझे फिर भी डर लगे, मुझे फिर भी डर लग रहा था कि अगर अब मैं गई और उन्होंने मेरे साथ कुछ कर दिया तो। और उसके बाद से मुझे बहुत यकीन है कि ये चीज़ें होती हैं। अरे वाह, आज आपके बाहर वाली सीट खाली क्यों है?
आमना ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक घंटा क्या बातें की उनसे जिनों से मैंने बहुत सारी बातें की थी यूनिवर्सिटी लाइफ की बात की वहाँ के माहौल की बात की और वो बातें कर रहे थे मतलब हाँ तुम सही कह रही हो ये कॉलेज के मसले हैं एडमिशन वैसे एक बात है कि जो मैं कह रही थी वो उस पर एग्री कर रहे थे जिनों का है ही मैंने देखा है वो बहुत ही सबमिसिव होते हैं जिन हर बात को एग्री कर भाई लेडीज एंड जेंटलमैन एक सुपरस्टिशन इंडस्ट्री में भी है कि अगर गेस्ट को बहुत देर तक इंतजार कराया जाए तो वो चला जाता है इसलिए वक्त आ चुका है कि गेस्ट को बुलाया जाए जो आज की हमारी गेस्ट हैं इन्होंने अपने करियर का आगाज दयारे दिल जैसे सुपरहिट ड्रामे से किया और फिर करती ही चली गई हिट पे हिट काम एक्टिविस्ट भी हैं प्रोड्यूसर भी हैं तो तालियां बजाने पे नहीं लगती है कोई फीस तो बजाइए क्योंकि बजाने जा रहा हूं मरियम नफीस प्लीज बैठे मरियम भाई बहुत ही अच्छी लग रही है थैंक यू आज की ऑडियंस और मैं एक बात मैं पहले ही बता दूं अपनी इज्जत अपने हाथ होती है जी आपके हाथ में वैसी बहुत थोड़ी सी है अच्छा आते ही आते ही हमले जस्ट सेइंग अच्छा मरियम मुझे ये बताएं सुपरस्टिशन से बात हो रही थी कोई रखती हैं नहीं लेकिन समवॉट एक हो जाता है हमेशा एक डेवलप हो जाती है हाँ. हाँ. आप सुन बचपन से ही सुनते हुए आते हैं ना कि शीशा टूट जाएगा तो ये होगा और बिल्ली गुजर जाएगी जैसे भी मैं सुन भी रही थी कुछ बच्चे बता रहे कैंची कैंची खाली कैंची चलाने से अम्मी लड़ते हैं हाँ लड़ाई हो जाती है मतलब बहुत लड़वाया मैंने बहुत लड़वाया भाई पुप्पो एक बच्चे की मैं भी हस्बैंड जरूरत पुप्पो बन जाता हूँ जब मौका मिलता है पुप्पो बट आई थिंक जब भी ट्रैवल करना होता है ना तो मेरे पैर के नीचे खुजली होती है Always. पैर के नीचे खुजली कभी सोचा धो लूं कभी धो लिया एंटीसेप्टिक से धो लिया शायद कुछ जैसे मैंने कहा था कि इज्जत अपने हाथ में होती है पांव में इज्जत अपने पांव में होती है जनरल फिजिशियन बनना चाहती थी आप एक जमाने में इसलिए बनना चाहती थी कि आपके आगे जनरल लग जाए या वाकई में इसमें कोई फील्ड में कोई शौक था वाला हो गया ये थोड़ा सा लेकिन चलो नहीं महंगा करके मुझसे कोई महंगा सवाल कोई महंगा जो नहीं आई मीन वो फिर मुझे हाँ ऑफ कोर्स हु डजंट वांट टू बी अ डॉक्टर राइट सब डॉक्टर बनना चाहते मैं तो नहीं बनना चाहता डॉक्टर क्या फिर मतलब टिकटॉकर बनना चाहते हैं क्या आधे से ज्यादा लड़के सिर्फ कंपाउंडर बनना चाहते हैं टाइम होता है वो टिकटॉक करना चाहते हैं चले मतलब हाँ सही है आप डॉक्टर बनना चाहती थी genuinely interested थी इस फील्ड में कोई इसके लिए स्ट्राइव किया या बस शौक था एक दिल में कभी अच्छी पढ़ने की कोशिश नहीं की इस चक्कर में कि यार डॉक्टर बन जी थी यार खून से डर लगना शुरू हो गया तो फिर फायदा ही क्या रहा जनरल फिजिशियन बनने का इसलिए नहीं बनी ना मैं खारिश ही करती रह गई मैं क्रिकेटर बनना चाहता था यार क्यों नहीं बने बैट से बहुत डर लगता था नहीं आई एम प्रीटी श्योर आपको खेलना नहीं आता होगा अब अच्छा खेलता हूँ बेटा अगले शो में क्लिप्स लगा के दिखाना मेरे टोटे अच्छा क्या हो गया क्रिकेट के टोटे ना यार इसमें क्या हो गया भाई क्रिकेट के क्लिप्स छोड़ तुम क्या कहते हैं बताएं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता टोटे हम क्लिप्स ही कहते हैं नहीं टोटे कहते जियो पे प्रोग्राम आता था तेजाबी टोटे आता था ले भाई ये मैंने कुछ नहीं बोला आई जस्ट लाफ्ड सो लाइक लाफ में तो सारे गेम है अच्छा ऐसे शादी भी हुई भी ये काम भी किया हुआ है आपने यार ये कर लिया तो सही है लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक साल हो चुका है होने वाला अभी वो अंडर वारंटी शादी चल रही है आर्ट्स एंड टेरेन की वारंटी अभी है तो ये बताएं कि शादी का पहला महीना और अब 12वां आने ही वाला है 12वें महीने में क्या फर्क है इंटेंसिटी के अंदर शादी की आई थिंक सेम ही है क्योंकि हम इतना ज्यादा साथ रहे ही नहीं है अभी तक तो अभी क्योंकि बिजी हैं दोनों काम वो भी कर रहे हैं आप वो भी इसी फील्ड में डायरेक्शन कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप लोग आपको अभी इंटेंसिटी में कभी महसूस नहीं हुई नहीं मेरी शादी को 10 साल हो चुके ये वाकया है ये इतने बुजुर्ग आप लगते नहीं है वैसे मैं हूँ भी नहीं बचपन की शादी थी पैदा होते ही ये हमारी बेटी से शादी करेगा ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि बेगम मेरे बाद पैदा हुई है भाई ऑफ कोर्स एडवांस बुकिंग थोड़ी चल रही है मेरी मैं कौन सा आईफोन हूँ लेकिन ये ऑडियंस आई है इनके पास सवाल हैं
ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। ओके। हमने नहीं दिए, हमने नहीं दिए। मुझे डाउट ही हो रहा है, जो डिस्क्लेमर है ना, हमने नहीं दिए। ये आपने सवाल, चलो फिर क्राउड में चलेंगे, दौड़ेंगे क्राउड में। किसके पास है पहला सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? उर्वा बतूल। तो सवाल लाई हो जी, पूछो। अगर आपके पास ऑफर आए ताबिश हाशमी के ऑपोजिट फिल्म में लीड करने की, तो आप क्या बहाना बनाकर मना करेंगे? कह रहा हूँ ना, क्यूरेटेड सवाल नहीं है ये। ताबिश हाशमी है, उनको कोई भी मिल जाएगी, मैं क्या टाइम जाया करूँ। सवाल किससे था? आपसे था। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट मैटर तो मैं था ना इसमें। बेसली नहीं करूंगी क्योंकि वो ताबिश हाशमी है। समझी, समझी, सारा करेक्टर वो पावरफुल ले जाएंगे ताबिश हाशमी, तो हीरोइन को नहीं, नहीं लड़की का कैरेक्टर क्या आप ले जाएंगे? मतलब लाइम लाइट ले जाएंगे ना यार, लाइम लाइट, सब नजर में ही आ रहा हूँ। नार्सिसिज्म तो बहुत है हमारी इंडस्ट्री में। और बताएं आगे। देखिए बात सुने, मैं यही रख सकता हूँ सिर्फ, और तो तारीफ कर नहीं रहा मेरी, मैं भी नहीं करूंगा तो चलेगा कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? नरजिस। नरजिस, क्या करती हो नरजिस? इंजीनियरिंग। ओह नाइस। सालों में एक लड़की निकलती है। मैं भी हूँ असल में इंजीनियर। दो इंजीनियर्स बात कर रहे हैं, प्लीज ये साइड पे आ जाएं एक्टर्स। हाँ अपना बस बस दी। फाइनली एक लग गया। नरजिस क्या इंजीनियरिंग करती हो? वेरी गुड, क्यों सवाल लाई हो? हाँ जी, और इंजीनियर टू इंजीनियर ही मेरा सवाल है। मेरे पढ़ा लिखा सवाल होगा। हाँ बताओ। देखो इंजीनियर टू इंजीनियर सवाल है तो मुझसे कर रही हो। अभी मैं सवाल भी सुनती हूँ क्या है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि जो इंसान लोगों को ज्यादा हंसाता है या ज्यादा हंसता है, वो बैक एंड पे उतना ही ज्यादा सैड या डिप्रेस होता है। तो इंजीनियरिंग एग्जाम है बैक एंड। तो सवाल मेरा ये है कि हाउ डू यू कीप अप विद दैट, बिकॉज आपको देख के बिल्कुल नहीं, आपकी हरकतें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप सैड या डिप्रेस हो। एम्फसाइज किया जाए हरकतों में। जिस बात सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ऐसा नहीं होता, हर आर्टिस्ट जो है ना वो हंसाने वाला ऐसा नहीं होता कि वो गमगीन आदमी होता है। होता ये कुछ लोग ना अपनी शोहरत, पैसे, दौलत, इस चीज़ों में चकाचौंध में इतना दिल लगा लेते हैं कि जिस दिन ये हल्के होना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक चीज़ होती है। तो बड़ा इंटेलेक्चुअली साउंड क्वेश्चन था ना, बता रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी एक चीज़ है उस पर बहुत सारे लोग भी अच्छा काम करते रहे, मगर एक वक्त आता है वो डिप होना शुरू, उस वक्त जो है ना वो आर्टिस्ट डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मेरी तो शोहरत चली गई, अब मुझ पर कोई हंस नहीं रहा, तो वो मैंने इतना दिल लगाया नहीं है। वेरी नाइस, थैंक यू नरजिस, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे अपना शोकेस करने का मौका मिला, नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका पार्टनर? हाशिम। हाशिम क्या करते हो? मैं सीएस पढ़ रहा हूँ, स्टडी। सीएस पढ़ लो जी। अच्छा, मेरा साइंस। तो कोई सवाल लाए हो? मेरा क्वेश्चन है मरियम नफीस से और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। पहले वो कर लो, सवाल कर लो। क्वेश्चन नहीं, पहले रिक्वेस्ट कर। नहीं पहले सवाल। नहीं नहीं पहले रिक्वेस्ट। मैं मानने को तैयार हूं। नहीं प्लीज। पहले क्वेश्चन। तू अपने खुद डिसाइड करो, तुम एक बड़े मैच्योर आदमी हो, खुद डिसाइड करो। क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। पहले पूछना है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? इतने तुमने As if, ना करते तो इनसे बात कर रही होती। As if. मेरा मानना है जब when you find the one, उसी कोई एज नहीं होती, आपको इंस्टेंटली शादी। बहुत प्यारी बात कर रही हो। बहुत रिक्वेस्ट करो यार तुम। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर मेरा दिल ही पुकारे आ जा पे आप डांस कर दें, क्या बात हो जाए। अच्छा मरियम, इससे बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने छेड़ दिए बात, ये गाना भी छेड़ दिया मुझे। मैंने देखा भी कुछ लोगों को कि वो काफ़ी एतराज़ कर रहे थे कि हम किसी को भी उठा के वायरल कर देते। आप एक दो सवाल मेरा ये है कि अगर तो कोई इस तरह वायरल हो गया और उसको काम मिल रहा है, तो जाहिर बात है उस बंदे का कसूर तो नहीं है जो वायरल हो गया, वो तो मतलब
अपनी ही बात कर रहा था। खैर, but what is your stand? Do you think कि वो उसको जो मिल रहा है वो उसकी किस्मत का है और उसे लिया नहीं जा सकता? I think of course जिस मतलब जिसके अल्लाह मियां ने लिखा है उसके हाथ में फेम ज़रूर मिलना चाहिए, बट आई ऑल्सो थिंक कि जो डिजर्विंग है उनको भी साथ में प्रमोट करना चाहिए। हाँ, साथ में प्रमोट, बिल्कुल ठीक। If people are liking her content, then why not? It's people's choice, right? हाँ जी नज़रा, टोटल बेइज्जती के बाद वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ऐसा मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां। एक फैक्ट मुझे बता दें यार, आज एक फैक्ट दे दें। चोर के सपोर्टर बन रहे हैं। मैं नहीं बनूंगा। किसके किसके चोर के सपोर्टर? अरे अलका फैक्ट, वो बोलेगा आप भी बन रहे हैं, ये ले तोशा खाना दे देगा वो सामने आपके, फिर क्या करेंगे आप तोशे पे तोशा? अब ये जो है ना, ये इन्होंने बात की है ताकि क्लिप्स निकले, वायरल हो, इनको भी गालियां। अच्छा, ये देखो ये हो गया। मैं हूँ ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मना है और बहुत जुल्म और सितम की कहानी रकम की जा रही है। नफीस, तो बिल्कुल नफीस बातें नहीं कर रही मुझसे। अच्छा कि मैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे होस्ट हैं और सेट बहुत अच्छा है। जेन्युइनली करें भाई, ऐसा फीलिंग नहीं आ रही इसमें। सेट बहुत अच्छा, हमें भी सच पता है, ऐसा लग रहा है आपने सारे पैसे सेट पे लगा दिए। इतने पैसे सेट पे लगा दिए, गेस्ट बुला, अच्छे गेस्ट बुलाने के पैसे नहीं बचे। बड़ी देर बाद एक आया है, बहुत देर बाद यार। ये खातिर साहब, मैं तो कहते हैं एक और ब्रेक ले लो आप। अच्छा, एक में सोचा है बैठ के ताबिश ने। नहीं नहीं, अच्छा भाई, अमान जो है, जो लड़का अमान चल रहा है, हस्बैंड टाइप लड़का, वो अगर कल कला को मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ले, बताते चलू खुदा ना खास्ता। मैं पहले बताता चलू, इंट्रोडक्शन दे दू। ये वो मरियम है जो पीटीआई की यूथ विंग की प्रेसिडेंट रह चुकी है। बताइए बताइए, हद हो गई। फिर इन्होंने तोबा कर ली और अब ये सही रास्ते पे चल रही है। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, ये मेरा सपोर्टर। हेलो, यू आर तो ये बताइए कि अगर अमान जो है आपके हस्बैंड कल को पीएमएल, नहीं नहीं वो समझ आ रहा है, मेरा सवाल जाया हो रहा है। अच्छा अच्छा, अगर कल वो पीएमएलएन ज्वाइन कर ले, ऐसा हो सकता है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल वो होती है, तो उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो आप उनको, आपको 30 seconds दे रहा हूँ, मैं हूँ अमान वो वाला जिसने पीएमएलएन ज्वाइन कर लिया है, 30 seconds कन्विंस करें। नहीं तो मैं भी उनके साथ यही करूंगी जो हमारे मेजॉरिटी बहुत सारे घरों में होता है कि हमने जहां कह दिया वोट डालो वहीं वोट डलेगा, खवातीन के साथ ऐसे होता है ना। हाँ, हाँ। तो मैं भी कहूंगी मैं जहां कह रही हूं वहां वोट डालो वरना मैं सांब आ जाती हूं। रियली? सच बताओ, कसम खाओ। नहीं, ये वो वाला शोर नहीं है। ये वो वाला शोर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो पीएमएलएन में चले गए, अब वो बिल्कुल अलग शोर है, बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं वो। अच्छा, जा चुके हैं या सोच रहे हैं, मतलब कुछ मशवरा? वो उनको अच्छे लगने लगे, उनके उनके दिल में मियादे नारे बजने लगे। Well, I'm hoping that I married a sensible man, but nonetheless, तो फिर ठीक है, I'll try to prove him wrong. Bye. With facts. एक फैक्ट मुझे बता दें यार, आज एक फैक्ट दे दें। चोर के सपोर्टर बन रहे हैं। मैं नहीं बनूंगा। किसके किसके चोर के सपोर्टर? अरे अलका फैक्ट, वो बोलेगा आप भी बन रहे हैं, ये ले तोशा खाना दे देगा वो सामने आपके, फिर क्या करेंगे आप तोशे पे तोशा? अब ये जो है ना, ये इन्होंने बात की है ताकि क्लिप्स निकले, वायरल हो, इनको भी गालियां। अच्छा, ये देखो ये होता है। अब आप मैं अनबायस्ड हूं। देखो, ऐसे जैसे आप पीटीआई वालों को छेड़े ना, हल्का छेड़े, वो कहेंगे ये है ही पागल, इसका मुंह देखो, इसके चश्मे देखो, ये है ही चोर। चश्मा तो आपने पहना ही नहीं है। क्या चश्मा तो आपने पहना ही तो एग्जैक्टली जो चीज नहीं भी होगी वो भी डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बजाय इसके, और मेरा शोर बहुत सेंसिबल आदमी है। नहीं, ये क्या बताने की बात हुई, सेंसिबल आदमी है तो पॉलिटिकल अफिल। अच्छा, आप कह रही हैं पीएमएलएन को जो सपोर्ट कर रहा है वो सेंसिबल नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मैं जानती हूँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव, आई एम नॉट गेटिंग इन दैट ट्रैप। अच्छा, इसका मतलब है सेंसिबल मियां है, पीएमएलएन ज्वाइन कर ली? नहीं करेंगे, जबरदस्ती है यार। अमान भाई, आप फिगर नहीं करो, आप मेरी अमान में। घर नहीं आना मेरे। अमान भाई, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। एक बार अमान भाई के लिए आमीन कर। अमान भाई, हमारे हाथों में अल्लाह की कसम सिर्फ दुआएं हैं, सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। अच्छा, मारिया वासी को जानती हैं, सीनियर एक्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा कमाल एक्टर है पाकिस्तान की। उनको एक उनका फैन खून से खत लिख कर भेजता था, खून से। अब ये पता नहीं था उसका अपना था या वो खून कहीं से चुरा रहा था, लेकिन खून था बेसिकली, खूनी खत थे। कभी ऐसा कोई फैन खत आया हो कुछ? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ उसको क्या, आपको एंट्री नहीं मिलेगी?
होता है अस्पतालों में कुछ ऐसे वार्ड्स होते हैं जहाँ कुछ ही लोग जा सकते हैं। अच्छा मेरा मुंह, मेरा कद, मेरी होस्टिंग सब पे दाग लग चुका है। मैं कुछ जुमला देता हूँ उसमें, अच्छा दो आ गए, दो जुमले कह दिए। दो भी नहीं हुए अभी प्रॉपर, जस्ट बाय द वे। टिपिकल पीटीआई। तो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। आई थिंक जो सबसे ज्यादा वियर्ड चीज होती है ना वो होती है जब हम मॉल्स जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं और कोई थोड़े से लोग पहचान जाते हैं तो वो बहुत हैंडजी हो जाते हैं। हाँ ये है कि हाथ रख लो, गले लगा लो, चुम्मी दे दो, सब फरमाइशें। बहुत फरमाइशें होती हैं, फिर वीडियोस बना दो और फिर एंड में कहते हैं अच्छा आपका नाम क्या है। ये तो बहुत असर है। गेम्स खेलेंगे, वक्त आ चुका है गेम्स का। पहला गेम नहीं, आप खेल खेल के थके नहीं? नहीं मैं थकता नहीं, मैं हाँ थक। बचाओ खेलेंगे। बचाओ में एक आपकी फेवरेट पर्सनालिटी होगी, क्लिफ के अंडर खड़ी होगी, उनके पास पत्थर गिर सकता है। मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा, टाइमर लगा हुआ है, उन तीन सवालों के जवाब एक मिनट के अंदर देने, नहीं दे पाएं तो पत्थर उस शख्सियत पे गिर जाएगा। दिखाइए कौन शख्सियत आज क्लिफ PMLN के बहुत बड़े सपोर्टर है। मेरे शौहर है। ये अमान खड़े हुए, पत्थर इनके ऊपर है, टाइमर। अभी शादी हुई हमारी? नहीं नहीं। अरे संभाल लेंगे, संभाल लेंगे, आप संभाल लेंगी, आपने बचाना है। कपड़े देखो कैसे बनाए, जिंदगी में कभी ऐसे कपड़े ना पहने। हाँ घुटने, इतने घुटने कभी फटे हुए बुरे लगेंगे। पहला सवाल, पाकिस्तान की कोई भी 5 हिट फिल्मों के नाम बताएं। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, समथिंग समथिंग, मौला जट, पार, कितने हो गए आखिरी दिन वो बिन, नहीं पहली वाली जो थी यार, किसकी? बिन रॉय। कौन सी? बिन रॉय। बिन रॉय कौन सी हिट फिल्म है? अच्छा वो वाली आतिफ, हाँ आतिफ वाली, और बोल 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 हो गई, बोल रोक दो, स्टॉप स्टॉप बोलना है अभी। अच्छा, मैंने खुद कह दिया है। अच्छा, अब आपने बोलना है, ठीक है। प्लैनेट्स है ना, 9 है शायद। हाँ। आप 7 के नाम बता दो। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, मार्स, अर्थ, मर्करी, नेपट्यून। वेरी गुड, हो गए, वेरी गुड। स्टॉप नहीं बोला, चलती स्टॉप स्टॉप। अब बच गए सिर्फ और सिर्फ कितने बेटा? 27 सेकंड्स, 27 सेकंड। ये 33 बता रहा है यार। हाँ तो इसे मिलाए ना 27, क्या बनेगा? अच्छा ठीक है। अब भाई पत्थर करीब आएगा, शोर ऊपर होना चाहिए। आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत मुश्किल सवाल। पाकिस्तान के कोई भी 7 शहर के नाम बताइए जिनमें बाद आता हो, बाद। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, हाफजाबाद। चुप चुप। हाफजाबाद अहमदाबाद भी है ना? नहीं, अहमदाबाद। अरे वो गिर जाएगा। भाई जैकबाबाद, जैकबाबाद वो आपको दिया, वो अंदर है जमीन के, वो देखो हल्का सा बस। नहीं नहीं ये गलत हो गया, मैंने बता दिया। ऐसे नीचे गए, अब चाइना से निकलेंगे। मैं तो बता दिया था जी। नहीं जैकबाबाद आपने नहीं बताया था। जैकबाबाद मैंने बता दिया था, इतना प्रेशर डाला हुआ था यार, खड़े होके बोल रहा हूँ, मतलब सबर कर जाओ। यही तो टाइप है, ये तो गेम का मकसद है सारा। सादा सादा कर लूँ तो मैं शाहजहां खान ज्यादा शोना कर लूँ। रेटिंग के लिए करना पड़ेगा, देख मुकाबला। अपने आप को शाहजहां खान ज्यादा समझ रहे हैं, मतलब शाहजहां भाई को कितनी इज्जत दी मैंने। कुछ भी। अच्छा चले, अब एक काम करेंगे, आपको लगा एक मिनट काफी ज्यादा है तो हम अब नया गेम खेलेंगे, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। इसमें मैं जीती हूं कि नहीं? अब हार चुकी हूं। आप क्या मतलब, चले गए वो फट पट कर पत्थर गिर गया यार, मतलब चले। अच्छा आपके वो PMLN में चले गए। अब सवाल है 2.5 सेकंड के मामले का, गेम का नाम है 2.5 सेकंड का मामला। आइकॉनिक गेम है, दुनिया इस पे मरती है। करेंगे ये कि आपसे सवाल पूछूंगा, ये सवाल जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने इनके जवाब सिर्फ 2.5 सेकंड में देने। सवाल सही हो, जवाब सही हो या गलत से कोई मैटर नहीं करता, ये सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर होना चाहिए जवाब। 2.5 सेकंड के अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए जवाब। ओके। आप 2.5 सेकंड से एक्सीड कर गई या आपने सवाल गलत का जवाब, मतलब ऐसा जवाब दिया जो कि जेनेरिक जवाब है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि इसका रेडियस क्या है तो आप कह दें बहुत बड़ा, नहीं कोई ना कोई नंबर, 2 इंच, 10 फुट, इस तरह का। एफिल टावर कितना बड़ा है तो आप बोलें 5 मील का, गलत हो सकता है, मगर नंबर या नाम या वो होना चाहिए। अगर नहीं दे पाई 2.5 सेकंड के अंदर या जेनेरिक जवाब दिया तो आवाज आएगी, ठीक है। ये एक बिल्ली, ये आप क्या कर रहे थे जब रिकॉर्ड हुआ? ये मैं नहीं कर रहा। ये हमारी कोको है। बिल्ली
पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला। खवातीन और हजरात अपने अपने कान संभाल के रखिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल है। पहला सवाल, कौन सा शो सबसे बुरा है? ये वाला। बजा रहे बोला ना स्पेसिफिक, बोला ना स्पेसिफिक जवाब देना। आप बोलती तो ये वाला इससे ज्यादा कितना स्पेसिफिक? हंसना मनाए बोलती तो स्पेसिफिक होता। चलें, ये पहला सवाल ट्रायल था। अगला सवाल, आप किस शो पर हमेशा से जाना चाहती हैं? हंसना मनाए। हाँ, चलो खुश कर दो यार, इतनी जिल्लत के बाद एक तो। चीचा वतनी में ऐसा क्या मिलता है जो कहीं नहीं मिलता? चीकू। इंडस्ट्री का गिरगिट कौन है? ताबिश हाशमी। मुझे पता था यही आएगा। 50 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? सोचना नहीं है। सात। मैंने पहले बोला है। नहीं नहीं नहीं, सात में एक बजर हो गया रे। मैंने पहले बोला है। नहीं, दो बजर हो चुके हैं। मैं और ये अच्छी गुंडा कर दी है क्या? एमजीएम के हो? पहले इन्होंने पीएमएलएन से फड्डा लिया और अब एमक्यूएम से भी फड्डा ले लिया है। खवातीन हज़रात इनकी फोकस कर लो बेटा, ताकि किसी को पहचानने में मुश्किल ना हो, ऐसा ना हो कि वो लोग बोले यार ये है नहीं है, पता चले यही है। फोन किसने याद किया? अल्ताफ हुसैन ने। पता नहीं, मना है नाम लेना उनका टीवी पे, बैन हुआ हुआ है। खत्म खत्म, गेम खत्म हो गई। मरीम ने फीस। खवातीन हज़रात हमारे साथ, अभी ये तो इमरान खान के लिए भी बैन हुआ है, हम उनका नाम लेना छोड़ देंगे। अब आप सिर्फ ताबिश हाशमी का नाम ही सुन सकते हैं टीवी पर। मरीम नफीस, चलो वो वाले दिन आ गए हैं, बुरे वाले। मरीम नफीस बहुत अच्छी अदाकारा थी, एक दिन एक शो पे आई, अल्ताफ हुसैन कहा अब बैंड है। यार वो फोन पे मिलते हैं ना, क्या मतलब है? तो अगला सवाल, अफगान बॉर्डर पर क्या हो रहा है? फूल बट रहे हैं। फूल बट रहे, वेरी गुड। आपको कौन अच्छी नहीं लगती? चलो अगला सवाल, ताबिंदा में ऐसा क्या है जो मरियम में नहीं? बहुत शरीफ है वो, बहुत जो सब बोलते हैं वो सुनती रहती है। क्या मतलब है? इतना लंबा बोलती चली जा रही हैं आप। 2.5 सेकंड के अंदर, आफरीदी छक्के के अलावा और क्या मारते हैं? पीएमएलएन से पड्डा ले लिया, अब मैं क्रिकेटर से भी पड्डा ले लिया। आप कहती चौका मारते हैं छक्के के अलावा? यार नहीं, वो भी इतने नहीं मारते ना, लेकिन मारते हैं भाई, मारते हैं यार शायद। अच्छा ठीक है, अगला सवाल, जापान का पान कौन खाता है? मैं नहीं खाती। इस्लामाबाद का कैपिटल क्या है? व्हाट, आर यू क्रेजी? खवातीन और हज़रात, 8 सवाल पूछे गए, 10 बजे, ये मेरे ख्याल से आज तक का 2.5 सेकंड के मामले की सबसे बुरी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से कि अगर कोको ये गेम खेल रहा होता, होती तो मेरे ख्याल से ज्यादा जवाब देती, 2.5 सेकंड के अंदर देती, कहती भाऊ भाऊ या बबू भाऊ, लेकिन वो बजर इतने ना बजवा। सवाल कितने जीनियस थे, आपने ये देखा? आप बना दो ना यार भाई, हम लोग गेस्ट के हिसाब से रखते हैं, किसी को इतने मुश्किल ना लगे उसका दिल दुखे। फिर आप तो यहाँ पे आना ही नहीं। मैं तो आ ही नहीं रहा, इसीलिए मैं होस्ट हूँ ताकि मैं एक्सपोज ना हो। खवातीन और हज़रात बात सुने, ब्रेक लें, वापस आए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मरियम आई बैठी। इसमें लगाते इसको नहीं लगाते। एक्सटेंशन बोर्ड है क्या? नहीं जी, एक्सटेंशन बोर्ड क्या लगाते हैं इसमें? खान साहब एक्सटेंशन क्या दे दी उन्होंने, अब हर चीज एक्सटेंशन ही लग रही है। ग्रेट मरियम नफीस। और मरियम, वक्त आ चुका है कि अब आपकी आंखों में पर्दा डाल दिया जाए। okay. आपकी आंखें फाइनली बंद कर दी जाए। okay. ये लीजिए, खुद पहनिए, अपना काम खुद कीजिए, होस्ट हूं, कोई नौकर नहीं हूं यहाँ का। यार ये मेकअप खराब होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, देखें कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों का मेकअप इस पर लगा हुआ है ऑलरेडी। अरे सैनिटाइजर लाइन दे, मैं भी करता हूँ। ये कनाडा से आई हुई आवाम है, इनका ये हाल है। अरे हम लोग बिल्कुल सैनिटाइज्ड हैं एकदम। अच्छा क्या होगा, क्या उसके बाद? पहले आप, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो टीवी पे नहीं हो सकता ना, पहने ना इसको। आ गई पता आ गया, वेरी गुड। कुछ नजर तो नहीं, नहीं इस तरह नहीं देखना मरियम, सीधा रखना, ऑनेस्टी के साथ खेलना है। ताली मार जाइए अमान के लिए। नहीं अमान नहीं, हम खेलने जा रहे हैं मरियम के साथ नजर बंद। इसमें होगा ये एक ऑब्जेक्ट, इस पर दिखाया जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई आदमी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछे, गेस करना है कि ये क्या है, क्यों है, कब तक है। मैं आपको हिंट्स दूंगा, बस इतना okay. ही करूंगा। तो ये तो बताएंगे कि इंसान है कि नहीं, वो आप पूछेंगे तो बताऊंगा, वरना मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा ठीक है। मरियम आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई इसमें हारा हो।
ठीक है, ये एडिट प्रेशर मैंने आपको दे दिया। नहीं मैं प्रेशर नहीं लेती, हार गई। बिजली से दौड़ गई, बिजली से दौड़। नहीं अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये कितने सवाल हैं टोटल? 5 सवाल। बस बस इसमें एक सवाल हो गया, अब 4 रह गए। नहीं नहीं ऐसे कैसे यार, आपने पूछा मेरा पहला सवाल ये। नहीं चले, डोंट बी स्टूपिड। अच्छा क्या चीज है? भजन, खुदा के वास्ते पीटीआई की फॉलोइंग की इज्जत रख लें आप, लोग क्या समझेंगे कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या है, क्या इंसान है, बिल्डिंग है? ये एक ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग, क्या करते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, मल्टीपल सुराख हैं, मल्टीपल वो हैं इसके अंदर, इनलेट्स। व्हाट? यस, लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, इसको नहीं लगाते। एक्सटेंशन बोर्ड है क्या? नहीं जी, एक्सटेंशन बोर्ड। क्या लगाते हैं इसमें? खान साहब एक्सटेंशन क्या दे दी उन्होंने, अब हर चीज एक्सटेंशन ही लग रही है। क्या लगाते हैं? वो चाहे लगा दे। इसमें लगा के क्या होता है इसके अंदर? चुप रहे तुम लोग। बेटा ये एक्सटेंशन है, मैं बता रही हूँ। नहीं है एक्सटेंशन। ताबिश हाशमी, अगर ये एक्सटेंशन हुई ना मैं बहुत मारूंगी। नहीं नहीं, नहीं 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 है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि नहीं है बिल्कुल। इसके अंदर कुछ भी लग सकता है जो आपको चलाना हो। तो उसका रिजल्ट क्या होता है जब लगाते हैं? तो बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझे छू लेगा वो क्या आइटम सॉन्ग होना शुरू हो जाता है। है? आइटम सॉन्ग होना शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन की फैमिली से है ये। एक्सटेंशन डबल प्लग है क्या? इतनी तो चीजें मुझे नहीं पता। डबल प्लग उस्ताद प्लग शाह, बड़े इंजीनियर हो। हाँ, डबल प्लग कुछ नहीं होता, ये अपनी तरफ से बना लिया आपने डबल प्लग। किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने नहीं बोल देना ये। पहले अच्छा, आपके सामने तो बोल लूं। पढ़ा लिखा आएगा जब देख लेंगे उस वक्त की, उस वक्त देखेंगे। अच्छा एक मिनट, हैंग ऑन। एक्सटेंशन नहीं है, डबल प्लग नहीं है, लेकिन उसमें जब लगाते हैं तो बिजली भरी है। सॉकेट है? एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, डबल प्लग नहीं है, सॉकेट है नहीं है। मरीम बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। Could I have said it's from the same family? मैंने कहा फैमिली एक ही है। नहीं, you didn't. Aha, I did. No. I did English में कहा था। तो अगला अरे हमारे साथ मौजूद है आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। ओए एक मिनट जो है, एक मिनट, तो ताबिश के बच्चे जो है, मैं आई प्रोटेस्ट जो है ना, ये कौन सा तरीका है? एक तो पहली बार जो है आपने मुझे लिया है प्रोग्राम के अंदर। मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि बाबे ताबिश के दरबार पे हाजिरी की मुझे सआदत मिली है। ऊपर से जो है चीटिंग से याद आ गया है, वो ये कोई जो है वो कोई तरीका है? हालांकि मैं आंखों का जो है ना वो तारा हूँ जनाब। मेरे का जनाब मियाँ मोहम्मद शरीफ, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो मियाँ मोहम्मद हमजा शरीफ, वो मियाँ मोहम्मद सलमान शरीफ, वो इनके ड्राइवर शरीफ, इनके माली शरीफ, इनके पोवर्टी शरीफ जो है, और ये जो मरियम नफीस जो है, मरियम शरीफ जो है, मरियम जैसी नफीस खातून देखें जो है ना हमारे कायद, हमारी पार्टी के बारे में जो है ये क्या कहती जा रही हैं ताबिश जो है। अच्छा मेरी बात सुने, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, एक पर्सनैलिटी पे आपके सूट नहीं करता कि आप इस तरह की बातें करें। हालांकि ये कॉमेडी शो है, इसलिए आपको चीटर वीटर ऐसा थोड़ा ऐसा खेला आपसे सर, सीरियस नहीं था मैं। मुझे पता है तुम किस किस्म के खेल खेल रहे हो, मैं देख रहा था तुम्हारे खेल जो तुम खेल रहे थे, मैं तो हैरान हूँ। पता नहीं कितना पैसा दे के तुम एंकर लग गए हो जियो के ऊपर। अगर मैं सच कह रहा हूँ, ऑडियंस की तालियां बताएंगे उस आदमी के पास। मुझे एक सवाल बताओ। हाँ। नहीं आपने जो है पहले अपने माँ बाप का इतना पैसा उजाड़ा है इंजीनियरिंग करने के अंदर, ठीक है, फिर जो है ना वो आईबीए में घुस गए हो, उन सीटों को अगर आप जाया ना करते, कोई काबिल आदमी वहां पढ़ के आज मुल्क कौम की खिदमत कर रहा होता? यहाँ कमेडियां करके सारा कुछ जाया कर रहे हो जो है, ये कोई तरीका है जो है? यार आपने पढ़ लिख के डिफेंस मिनिस्टर बन के क्या उखाड़ लिया जो है? क्या उखाड़ लिया? देखिए मीर साहब ना करें आप मेरे भाई। मैं मीर साहब मतलब जियो पे काम करने वाला हर आदमी मीर नहीं होता यार। यार आदत ही है। मैं कह रहा था क्या नाम है आपका अपना? ताबिश हाशमी। ताबिश मीर साहब आपकी बात कर रहा था। आप जो मेरे जो है ना वो दोस्त हैं, थोड़ा सा एंकर ने बैलेंस करना होता है जो है। आप तो बिल्कुल ही एक साइड लेके जो है ना सारे काम जो है वो जिस तरह जिंदगी में पुठे करते रहे हैं, पुठे कर रहे हैं। बुलाया तो है ना आज आपको? आज आपको बुलाया? देखें नहीं, लेकिन बुलाया क्या फायदा? आपने मुझे काउच पे तो नहीं ना लाया?
यार आपकी उम्र नहीं ना, आप काउच पे बैठे भाई मैं उस काउच की बात कर रहा हूँ, वो जो सामने वाला, वो जो वाइट काउच है जो है, ये जो सामने जो है ये रखा हुआ। अच्छा छोड़े ना, मियाँ साहब कब आ रहे हैं बताएं। मियाँ साहब बस दो मिनट रुक जाओ, बाथरूम गए आ रहे हैं। यार मियाँ साहब है वो जनाब, लीडर है इतना बड़ा जो है, उन्होंने इंग्लैंड से आना है जो है, उनको बुलाने का एक कोई तरीका है? आप लोग खुदा का नाम ले ताबिश, जो मुझे नहीं समझ आती आप जो पूछने वाली चीजें आप वो नहीं पूछते। अच्छा जो पता ही नहीं है आपको जिन चीजों का, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं जो, अच्छा, है। जो मेरी आपने मियां साहब ने आपके पैसे देने, आपको क्यों जल्दी आने की, मैं बैठा हूं मेरे साथ बात करें जो है। मियां जी ने आपके पैसे देने? जी ने मेरे किसके, मियां जी ने किसके पैसे देने? हम सबके पैसे देने। वाह गहरी बात, गहरी बात। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ताबिश मियां, क्या नाम, ताबिश खानजादा साहब, आप मुसलसल आप जो वो चीजें पूछ रहे हैं आपको उनका पता। अब देखिए मेरा काम तो एंटरटेनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा डायलॉग है जो मैं नहीं बोल सकता, कौन सा गाना है जो मैं अभी आप ये देखें जरा, जैसे मेरी सिंगिंग चेक कीजिएगा जरा, सिंगिंग दिखाइए। अगलावा मजबूरी नू जो है, आन जान जी दूरी नू जो है, टोने जदी जंजो पैन दे जो है, जो है जो है जो है जो, ये देखें मैंने सुर में गाया है। अब देखें डायलॉग चेक करें आपके भाई के। ख्वाजा मेरी बात सुनो ख्वाजा, ओए तरीके से बात करो तुम, मेरे जो है ना वो कोई लंगोटिए दोस्त नहीं हो मेरे। और जितनी बातें आप जैसी बातें करें मैं आपका लंगोटी दोस्त बनना भी नहीं चाहता, मेरी बात सुने जी। मैं ये पूछ रहा हूँ जितना आप अपना सूट टाई और अपने शक्ल पे और चश्मों पे ध्यान देते हैं, इतना अगर आप आवाम पे देते तो शायद हम थोड़े बेहतर होते। अच्छा हम थोड़े बेहतर, यानी जो सूट का ध्यान, यानी आप ये समझ रहे हैं मैं आवाम को पकड़ के इस्तरी कर दूँ और रात 9 बजे के बाद आवाम को हैंगर पे टांग के सोया करूँ? ऐ मुझे बताएं ना, आवाम को नचोड़ के जो है वो धूप में सूखने के लिए डाल दूं जो है? नाउ यू विल जो है वो गाइड मी के जो है हमने जो है वो करना क्या है जो है, मुझे बताएं जो है, मुझे बताओ ना, मुझे लेते क्यों नहीं रहे हो शो के अंदर जो है? यार आप एक काम करें ख्वाजा साहब जी, आप वही करें जो आप करते हैं। अच्छा जाए और कुछ मत करें, जाए ख्वाजा आसिफ को लगाएंगे थोड़ी से साइड पे, आप लीजिए ब्रेक, वापस आएंगे हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, बजाओ तालियां। गवर्नमेंट जो बात हो रही है किसकी, गवर्नमेंट मैंने नहीं पहने हुए, यानी पहने छुपे हुए, जिस तरह गवर्नमेंट नजर नहीं आती इस तरह मेरे सॉक्स नजर नहीं आते। खवातीन हज़रात आप बनाएं। अच्छा मेरा दादा अच्छा था ना, मैं फैसला ले रहा हूँ ना, फैसला ले रहा हूँ। नहीं आप कैसा फैसला ले सकते, ये पार्ट ऑफ द गेम। पूछ के नहीं, मेरा दादा अच्छा था। बोल ही नहीं दे रही यार ये लड़की। तो वेलकम टू अस्नाब बनाए, मेरे साथ मौजूद है मरियम नफीस, मगर कसम उठवा लें एक भी नफीस बात की उस लड़की ने। हाँ भाई मरियम, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है कि अब आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी नॉलेज बेस है, जो आपकी इंटेलेक्ट है, स्पॉन्टेनिटी है, जितनी आर्टिकुलेट आप हैं, वो सब शोकेस अभी हो जाएगा। हम खेलने जा रहे हैं मी लॉर्ड। मी लॉर्ड एक ऐसा गेम है जो सिर्फ हम पढ़े लिखे गेस्ट के साथ खेलते हैं, आज हमने एक्सेप्शन लिया। मरियम मैंने एक डिसीजन लिया था जब मैं ये शो होस्ट करने वाला था कि ना सिर्फ मैं लोगों को हंसाऊंगा बल्कि अपनी इंडस्ट्री को पढ़ाऊंगा भी, तो ये लीजिए। चलो भाई हाँ। होगा ये कि यहाँ पर एक वर्ड आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। हमने क्या करना है, हमने भी एक रैंडम वर्ड इस पर लिखना है। जब वो वर्ड आएगा तो एक एक करके हम दोनों मैदान में जाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे जो वर्ड हमने लिखा है इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द वर्ड दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन विद एनी वर्ड लॉजिक, कुछ भी रैंडम फैक्ट्स, एनीथिंग। मैंने लिख लिया, मैंने भी लिख लिया बहुत पहले। चलो अब बताओ वर्ड क्या है। आए मरियम इधर मैदान में आके देखेंगे, पहले आप अपना वर्ड एक्सपोज करें। नहीं पहले आप दिखाएं तस्वीर। आपने क्या लिखा है? लूजर। लूजर लिखा है, ठीक है। और पे लूजर हो ही नहीं सकती, दिस इज ये आप लोगों का पूरी, आप लोगों ने चाल चली है। आप इसको बिल्कुल घुमा दो ना, घुमा दो। आदमी उन औरतों के जो ऑपोजिट होते हैं वो होते हैं लूजर आदमी, तो वो होते हैं लूजर। नहीं नहीं ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ, मेरे अपने खानदान में बहुत अच्छे मियां भी, आपके मियां भी मर्द हैं, मियां भी मर्द चल। हाँ एग्जैक्टली, इतना एग्जैक्टली इतना आपको नहीं फेमिनिज्म में अंधा हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट मैन हेट, बट आई डोंट नो हाउ टू जस्टिफाई दिस मैन। आई थॉट कि इससे पहले ब्रेक में ताबिश की तस्वीर लगी हुई है तो वो आएगी।
और जो मेरी बारी आई है, शुगर यानी टीन। अगर मैं किसी खातून को शुगर कहूं, हे शुगर, कभी माइंड नहीं करेगी, कभी भी नहीं आप। मगर अगर मैं किसी खातून को कहूं हे लूजर, तो वो माइंड करेगी। बस साबित हुआ खवातीन हजरात, दुनिया रहती दुनिया तक औरत शुगर ही रहेगी, कभी भी लूजर नहीं होगी। तो जिनका मुंह हर औरत चीनी की तरह मीठी और चीनी के दानों की तरह क्रिस्टल क्लियर होती है, उसके दिल में कोई शुबा नहीं होता। खवातीन हजरात आप डिसाइड करेंगे क्या औरत मैंने तो बोला ही नहीं है औरत लूजर है, आपने पहले मेरा वर्ड देखा है उसके बाद ये लगाया। वाह खुदा, ऐसा नहीं किया, हर चीज पे एतराज है यार। नहीं ऐसा नहीं था भाई, ये सब जेन्युइन था। और मैं जिनका ख्याल है कि शुगर अगला वर्ड पहले आएगा और फिर हम लिखेंगे, फिर हम जस्टिफिकेशन, फिर नहीं लिखेंगे, फायदा क्या होगा लिखने का? ये क्या बात हुई, वर्ड नहीं आएगा, आप लिखो बाद में दिखाना, दूसरा वर्ड लिखेंगे। चेंज करो, लिख लिया ना, अब चेंज नहीं कर सकती। छुपाऊंगी मैं, पहले वर्ड दिखाएंगे, पहले वर्ड दिखाएंगे ताकि फिर हम शो करें, ठीक है? दिखाओ गवर्नमेंट। अब आप अपना वर्ड दिखाएं। नहीं नहीं नहीं, आप दिखाएं ना अपना, पहले आप अपना दिखाएं। मेरा है सॉक्स यानी मोजे जुराबे। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ यार, ये पहले इन्होंने लिखा पिटी और उसके ऊपर पीटीआई अभी बाद में लिखा है। चलो अब साबित करें, और कोई पीटी है क्या? ये नहीं होगा, मैं गलत काटूंगा इसको, दो नंबर माइनस है। यार ये आप अपना अपना बोर्ड पे खेलें, ठीक है? मेरे बोर्ड पे आने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं इसके ऊपर बोर्ड लिख देती हूँ। अब आप लिखें पिटी कैसे है ये गवर्नमेंट, सही है, बस फौरन बदल गई, फौरन बदल गई। अल्लाह बहुत बहुत प्यारे लोग हैं, अल्लाह मियां के बनाए हुए हैं, तो प्रिटी, लाइक दे आर ऑल वेरी प्रिटी। मैं तो शहबाज शरीफ पे मरती हूँ। गवर्नमेंट बात हो रही है किसकी? गवर्नमेंट की। मैंने नहीं पहने हुए, यानी पहने छुपे हुए, जिस तरह गवर्नमेंट नजर नहीं आती इस तरह मेरे सॉक्स नजर नहीं आते। खवातीन हज़रात आप बनाए, अच्छा मेरा ज्यादा अच्छा था ना, मैं फैसला ले रहा हूँ ना, फैसला ले रहा हूँ। नहीं आप कैसा फैसला ले सकते, पार्ट ऑफ द गेम, पूछ के नहीं, मेरा ज्यादा अच्छा था। बोल ही नहीं दे रही यार ये लड़की तो यार। खवातीन हज़रात जिनको लगता है कि मरियम की गवर्नमेंट प्रिटी है, वो तालियां बजाएं। भाई जिनको लगता है कि ताबिश भाई के सॉक्स गवर्नमेंट से मिलते हैं, वो जरा आजादी है आज का अस्ता मनाए। मुझे बहुत मजा आता है जब मेरे साथ मौजूद हो ऐसे गेस्ट जो मुझसे कम फेमस हो। मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट क्लोजिंग पे तो मैं कुछ नहीं बोलूं, लेकिन ये आदमी इज लाइक सो सेल्फ इनवाइटिंग। देखो बात सुनो मेरी, 11:55 हो रहे हैं, फजूल बातें मत सुनो आप। खवातीनों हजरात शो यहाँ पे अपनी इख्तिताम को पहुंचा है, यहाँ पे पहुंचेगा। हाँ खवातीनों हजरात शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, पहुंच चुका है। आप देख रहे थे हंसना, आप देख रहे थे हंसना मना है। ताबिश के साथ इतनी बुरी किसी ने नहीं की होगी आज तक, बट इट वॉज वंडरफुल बीइंग ऑन द शो। खुदा हाफिज। ऐसा है कि जब भी मेरी मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मैं अपने शो पे खामोश हुआ हूँ, हमेशा किसी खातून के हाथों में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी लौटने की हिम्मत तो नहीं है। तो शिकार सीखे अपना बहुत ख्याल रखिएगा, 11:55 हो रहे हैं, वो मत कीजिएगा, यानी कि लेट नाइट तक टाइम जाया मत कीजिएगा, जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।